हम फरीदाबाद से आए हैं और दिल्ली होकर के आए हैं, और दिल्ली आज चारों तरफ से सील कही हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया जो है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी की आज रेरे माटी, ब्रांड माटी, खराब माटी होती हुई हमने देखी है। बॉर्डर से लेकर के रोहतक तक लगभग 12 जगह बैरिगेट लगा करके जाम लगा रखा है और किलोमीटर तक लंबी लाइनें हैं। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के जींद जिले के हुडा ग्राउंड में, जहां पर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों हजार की संख्या में अलग अलग तबके के सरकारी कर्मचारी जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, इसमें शिक्षक से लेकर सफाई कर्मचारी तक, स्वास्थ्य विभाग से लेकर वन विभाग तक के कर्मचारी शामिल है। और इनकी सबसे बड़ी मांग जो है मुख्य तो पुरानी पेंशन की बहाली और दूसरा स्थायी काम पर स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मांगों को लेकर ये लोग पिछले कई महीनों से राज्य भर में अभियान चलाए हुए थे और सरकार से इनकी मांग है, सरकार इनकी मांग तुरंत इनकी कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाले समय में ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। इस रैली के अलावा चेतावनी रैली दी, एक तरह से सरकार को लोग चेतावनी दे रहे हैं, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो ये सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। सुनिए, हमने यूनियन नेताओं से और यहाँ आए अन्य विभाग के कर्मचारियों से बात करके समझने की कोशिश करी वो किस वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं और वो सरकार से किस तरह की नीति अपने हक में चाहते हैं। देखिए, पिछले लंबे समय से कर्मचारियों की, मजदूरों की तमाम मांगे लंबित पड़ी हैं और उन्हीं मांगों के लिए आज यहाँ पे ये चेतावनी रैली हो रही है। हम सब जानते हैं कि सरकार कितनी तेज गति से निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, तमाम सरकारी जो विभाग है उनको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, विभागों के अंदर पूरा स्ट्रेंथ नहीं है, काम का लोड बहुत ज्यादा है कर्मचारियों पे और उनको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम बार बार हमने अपनी मांगे, कर्मचारियों की मांगे सरकार के सामने रखी है लेकिन सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही है। तो आज एक तरह से जैसे कि नाम है रैली का चेतावनी रैली, ये हम एक चेतावनी रैली कर रहे हैं सरकार को ये बताने के लिए कि हमारे जो मांग और मुद्दे हैं, कर्मचारियों के जो मांग और मुद्दे हैं उनको वो हल करें, अन्यथा हम किसी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आज की जो चेतावनी रैली है इसमें तमाम हरियाणा के कर्मचारी शामिल हुए हैं, उसमें पूरे हरियाणा की सेंटर सरकार से मुख्य मांगे हैं। जैसे मैं अगर नंबर वन पे बात करूं तो पूरे हरियाणा में नहीं सर, पूरे भारत में एक ही मांग फैली हुई है कि ओपीएस, जो पुरानी पेंशन की बहाली करो, क्योंकि नई पेंशन है तो एनपीएस में उसमें कर्मचारी का कोई फायदा नहीं है, बकायदा उसके नुकसान है। अभी आप हाल में आपने देखा होगा जो 10-10 11-11 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट हुए हैं तो उनकी 550 रुपये पेंशन बनी है, जबकि 2750 रुपये आज बुढ़ापा पेंशन है। तो नंबर एक पर हमारी ओपीएस की मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम वो कर्मचारियों को दो। और दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं सर हम कि जो निजीकरण चला हुआ आजकल, आपको देखा है कि तमाम रेलवे है, अपना रोडवेज है, तमाम में प्राइवेट सेक्टरों को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है चिराग के नाम पे, और तमाम महकमों को सेंट्रल गवर्नमेंट उनका निजीकरण कर रही है। जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है उसके द्वारा संचालित नव उदारीकरण की जो नीतियां हैं उसको बहुत तेजी से लागू कर रहा है। इसके चलते हुए जो देश की आजादी से लेकर के अब तक जो जनता ने खून पसीने से ये सारा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया है, या पब्लिक सेक्टर के जो हमारे पीएसयूज हैं उनको खड़ा किया है, उनको अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इन नीतियों के कारण ही बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, असमानता ये लगातार बढ़ रही है। इसके खिलाफ जनता एकजुट होकर के कोई निर्णायक आंदोलन का बिगुल ना बजा दे, इसको ध्यान में रखते हुए और जाति और धर्म के नाम पर मेहनत कशों की एकता तोड़ने की जो साजिशें हैं उनको भी तेज कर दिया गया है।
हमारी दो स्पेशल मांगे हैं। देखो, एक तो है जो ये इन्होंने निगम बनाया है ना, कच्चे कर्मचारी जिसमें आप रखते हो, जब मर्जी आप निकाल देते हो, एक तो उनको रेगुलराइज कराना है, और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ओपीएस लागू करवानी है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन जो है वो नहीं मिलती, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें पुरानी पेंशन चाहिए और हमारे साथियों के लिए रेगुलर हमें जॉब चाहिए। हम संभाग का काम करते हैं, नर्सरी में वापर है। नर्सरी क्या नाम हुआ आपका? सरोज रानी। किस तरह काम होता है? प्योदे तैयार करते हैं, मिट्टी छाड़ते हैं, खार गिर छाड़ते हैं प्योदे में। कितना पैसा मिलता है? हमें तो कम ही मिल रहा पैसा, 392 का रेट मिल गया है। हाँ, 96 और पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे हमारी, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। काम इतना ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं काम, काम बहुत ले रहे हैं हमारे भैये, और तनख्वाह दे रहे। जो सरकार के लागू किया था भाई कसी कृपा, जो वर्दी है हमारा पीएफ है, 15-16 साल हो गए, हमारा पीएफ नहीं दे रहे, हमारी इच्छा ही नहीं बना रही। मेरा नाम सुनीता है, मैं बहादुरगढ़ से आई हूँ, सफाई कर्मचारी, बहादुरगढ़ की सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? हमारी समस्या ये है जी, सरकार वादे कर लेती है काम करने के लिए, काम करती नहीं है। अभी 21 मई को अप्रैल को जो समझौता हुआ था उसका भी कोई पूरा काम नहीं हुआ है। कागज ले लेते हैं, वादे कर लेते हैं कि भी काम होएगा, लेकिन काम हमारा कोई नहीं होता। ठेका प्रथा बंद नहीं करती, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती, जो भी वादे करती है इनमें से कोई पूरा नहीं हुआ अब तक। हमारे को 25-26, 26-26 साल हो गए लगे, लेकिन हम ठेकेदारी में ही काम कर रहे हैं, हमारा आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए हम इस रैली में आए। सभी कर्मचारी पक्के पदों पर सफाई भर्ती हो सभी हरियाणा में, और खाली पदों को भरा जाए, सभी कर्मचारियों पर 5-5 जगह का चार्ज है, पर कर्मचारी की बहुत ज्यादा कमी है, सरकार भर्ती नहीं कर रही। लेकिन सरकार तो कह रही है इतनी भर्ती उन्होंने निकाली, इतनी भी सरकार ने करी नहीं, साफ सुथरी भर्ती करते हैं। झूठ बोल रही है, अभी भी विभागों में 32,000 तो इन्होंने खुद मांग रखे है, 32,000 पद खाली पड़े विभागों के। अगर आप लोगों की मांग की पहले भी कई बार आप वन विभाग के कर्मचारी सुन नहीं रहे, सरकार तो जी गूंगी बह रही हुई है, कर्मचारियों की सुनती ही नहीं। किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, अब वो पहलवान बैठे वो परेशान है, हर वर्ग दुखी है, मजदूर भी दुखी है, हर व्यापारी कर्मचारी सब दुखी है। मेरा नाम सुमेर सिवात, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य कमेटी का सदस्य। आज रोहतक डिपो से बहुत ज्यादा संख्या में कर्मचारी भाग लिए, जिसमें ज्यादातर पुरानी पेंशन को मांग लेकर के जो कर्मचारी इसमें हासिल हुए, और परिचालक का पे ग्रेड बढ़ाने की, चालक का पे ग्रेड बढ़ाने की बात को लेकर, निजीकरण बंद हो, रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल हो, जिसमें 87,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। प्राइवेट बसें ना लेकर के सरकारी बस खरीदेगी तो बेरोजगार युवकों को भी लाभ होगा, और कोई भी काम सरकारी बस की सेवा से नहीं बचेगा। इसलिए रोडवेज के कर्मचारियों भारी गुस्सा है, जब तक सरकार इन मांगों को लागू नहीं करती। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो आलयान करेगा, रोडवेज कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा। तो हम सरकार से इस रैली के थ्रू ये दरखास्त करते हैं, ये विनती लगा लो, ये चेतावनी लगा लो कि हमारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको जब तक पक्के नहीं उनको करते, उनको LTC, DA, मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाएं दी जाए। 13-14 साल हो गए, आपको कुछ भी नहीं है, जो सा पीएफ कटा है वो भी नहीं मिल रहा, वो भी अपना कुरपा नहीं देते, नुकम दे काम करो तो अपने घर से कुरपा लियाओ, कसी लियाओ, और सरकार की तरफ तक कुरपा भी मिला है, कसी भी मिला, सारी चीज मिला, देते ही नहीं। फिर ज्यादा उन कमे है तो घर बिठा दे, उनका घर नई नई ना लगा ले, पुरानिया की छुट्टी कर दे। हैं एक महीना में कितनी सैलरी पैसे? 371 रुपए है शायद, एक दिन के। हाँ, एक दिन के, और पूरी दुपहरी काम करे, बाहर धूप का काम है ये तो, ये तो ऑफिस का नहीं, एक दफ्तर में काम करे है, ये तो बाहर का काम है, दुपहरी काम का, धूप में तपे जाओ, काम करे जाओ। शिक्षा की बात अगर हम करें तो 2020 की जो नई शिक्षा नीति है वो निजीकरण की ओर स्कूलों को लेके जा रही है। चिराग योजना के तहत बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर मोड़ा जा रहा है, और सरकारी स्कूलों को एक मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है। पीछे की अगर हम बात करें तो राज्य में
कम से कम इन्होंने मर्जर के नाम पर 1000 के करीब स्कूल बंद कर दिए और जिले राज्य में कोई एक भी ऐसा कन्या मिडिल स्कूल इन्होंने नहीं छोड़ा जो इन्होंने मर्जर के नाम पर बंद नहीं किया हो।